हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप पिछले मेरे वीडियो में दिखाई थी ना छिरी रोटी जैसे बना के, तो आज मैं कोई ऐसे ही, मतलब आप यहाँ कोई जानता नहीं है, बहुत लोग ऐसे डिश में बना के दिखाने वाली हूँ। जैसे कि हमारे गांव में तो फेवरेट है ये, जिस होटल में जाओगे ज़्यादातर यही चीज़ मिलेगा, तो वही मैं बना के दिखाने जा रही हूँ आपको कि क्या बना रही हूँ। अभी दिखा रही हूँ, उसका नाम भी बताऊँगी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये चावल है, ये दाल है, उड़द की दाल है, ये उसी में डालेंगे प्याज और ये धनिया पत्ती उसी में मिक्स करेंगे। अभी इसको पीसना है, पहले से पीसते हैं लेकिन मैंने पीसा नहीं है, पीस के रखना चाहिए, तब मैं आपके सामने पीसूंगी ये सब। अभी मैं पीसने जा रही हूँ आपकी, तो मैं इसका नाम बता रही हूँ आपको कि इसका नाम है ढूसका। इधर तो मैं देखी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलता है ना, जिसकी किसी के मुँह से सुना भी नहीं है कि ढूसका क्या होता है। हमारे तरफ तो बच्चे बच्चे तक जानते हैं ढूसका, तो चलो बनाते हैं ढूसका। तो दोस्तों, मैं देख लीजिए, इसमें चावल है और उड़द की दाल है। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, बाद में देखेंगे कम बेसी, अभी इतना ही डालते हैं। तो दोस्तों, इसको हम ना एकदम बारीक पीसेंगे, एकदम पतला, एकदम अच्छी तरह से पीसेंगे, बारीक तभी बनेगा अच्छे से। मैंने चावल पीस लिया है, देखिए ये देखिए अच्छी तरह। अब इसमें मिलाने जा रही हूँ मैं, देखिए सूखा मिर्ची भून के इसको ऐसे करके मिला देंगे। और ये प्याज, और ये धनिया पत्ती है, देखिए दोस्तों, मैंने सूखा मिर्ची आग में भून के डाला है क्योंकि उसका ना अलग टेस्ट होता है, इसलिए मैंने सूखा मिर्ची भून के इसमें डाला है और प्याज डाला है और धनिया पत्ती डाला है, तो उसको मैं मिला रही हूँ, अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो हमारा काढ़ा ही देखिए गर्म हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं तेल अभी। तो ये देखिए रिफाइंड ऑयल है, इसको मैं डालने जा रही हूँ, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। तो देखिए, तो गैस मेरा तेल गर्म हो गया है, देख सकते हो। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ इसको, थोड़ा सा हल्का करेंगे नहीं तो जल्दी से पक जाएगा ना वो नीचे से। मैंने पलट दिया है इसको एक साइड से, तो गैस हम धीरे धीरे आंच पे इसको पकने देंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए अच्छी तरह से, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आराम से पकता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं पकेगा क्योंकि ये चावल का है और उड़द का है, इसलिए गैस ये धीरे से पकेगा। गैस ये रहा हमारा ढूसका, बन के तैयार हो गया है, देखिए अब देख सकते हो इतनी जल्दी बनने वाला है ये, 2 मिनट में एकदम फटाफट बन जाता है ये, और एकदम आसान तरीका। और इसके साथ तुम खा सकते हो कुछ भी, मतलब टमाटर चटनी या फिर छोले भी बनता है, छोले के साथ भी खाते हैं, हमारे तरफ ज़्यादा छोले के साथ खाते हैं, और क्या कहते हैं टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हो, तो आप एकदम आराम से खा सकते हो, उसमें मज़ेदार एकदम से। एक बार आप ट्राई करके देखना, ये बहुत टेस्टी लगता है ये ढूसका, आप लोग को नहीं पता होगा। अच्छा, चावल का ढूसका है दोस्तों, तो उसको एक बार आप लोग ट्राई करिएगा जरूर, बना के देखिएगा। मेरे वीडियो में जितने भी तरीके दिखाए हैं सब आसान तरीके दिखाए हैं मैंने आप लोगों को बनाने के लिए, एकदम जल्दी से झटापट पर बनाने वाला चीज़ दिखाए हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरे वीडियो में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक मिलते हैं हम दूसरा वीडियो में।